गाया भी है और इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। और मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा हीरा जी को और कोमल जी को, दैट दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल जो इंडस्ट्री से इतना क्लोजनेस जिंदगी में इनका रहा नहीं है, बट ये आए हैं और काफ़ी क्या बात है, लुक सेंटर। और हमारी जो म्यूज़िक है, पंजाबी म्यूज़िक है, हिंदी म्यूज़िक है, बॉलीवुड म्यूज़िक है, इसको एक इन्हेंस कर रहे हैं यहाँ पर। सो हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से ये साउंड ट्रैक जो है, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई थिंक समवेयर देर इज़ टू मैनी, बहुत सारे इस जॉनर के अंदर जो है म्यूज़िक जो है वो आ रहा है, और हम एक फैशन बना लेते हैं इसको कि यू नो कि अगर ये चल रहा है तो वही चलते रहता है, कि ये स्टाइल चल रहा है तो वही चलते रहता है। तो काफ़ी कुछ है उसमें, कहाँ अच्छे गाने जो हैं होते हैं ना, वो कहीं पर मिस आउट हो जाते हैं, यू नो दे गेट लॉस्ट इन टू द क्राउड। सो आई फील दैट थिंग्स लाइक दिस काइंड ऑफ प्रमोशन, जोएब इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड द कॉन्टेस्ट विच दे रन, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड तेरा फोन ची रीमिक्स कॉन्टेस्ट, रीमिक्स कॉन्टेस्ट। और इसे रिमिक्स किया है, मेरे ख्याल से कुछ 100 एंट्रीज थी, उसमें से हमने सेलेक्ट किया, जोएब ने सेलेक्ट किए हैं कुछ, आई थिंक फाइव, इफ सेलेक्टेड फाइव एंट्रीज आउट ऑफ दैट। हाँ जी, पांच एंट्रीज सेलेक्ट किए हैं, है ना। हाँ जी, तो अभी मैं सुन रहा था अंदर बैठ के, बहुत डिफिकल्ट है उसमें से सेलेक्ट करना एक गाना, तो ऑल द टैलेंट्स आर पुट टुगेदर, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके सर, आपने गाने तो सुन लिए हैं और यू नो तो रिजल्ट्स पर आए हैं, तो जानना चाहेंगे कि किसको विनर चुना है आपने और क्यों चुना है, इसके बारे में अभी सुनाना है विनर। हाँ, विनर वी कैन सर्टनली अभी डिक्लेयर करते हैं विनर को। वी ऑलरेडी हैव द कंटेस्टेंट्स वेटिंग आउट, कंटेस्टेंट वेट कर रहे हैं कि लाइक व्हेन विल, शुड आई टॉक अबाउट इट? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सो देयर आर 1 2 3 4 5, सो एक जेंटलमैन है जिनका नाम है आखिब, ही हैज़ मेड द सॉन्ग बट ही इज़ डन इट अ लिटिल टू फास्ट, इट्स अ लिटिल फास्ट, सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। लकी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब, जो उसका जो ड्रॉप डाला है गाने के अंदर बहुत ही अच्छा है। बंटी ने बहुत अच्छा काम किया, सिंपल रखा है, डीप हाउस जो आज पूरे दुनिया में एक जॉनर है, बहुत पॉपुलर है, तो वो एक लुक दिया है उसने, उसको स्लो करके थोड़ा सा, और दैट इज साउंडिंग एक्सलेंट। नियॉन और विपुल, ये दो लोगों ने कमाल किया है गाने के साथ में, विच इज़ हैट्स ऑफ टू देम, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। तो इट्स अगेन अप टिल नाउ, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है इसको सिलेक्ट करना, तो दोनों के नाम लिखे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके ओके सर, सो इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी फिलहाल में तेरा फोन जी कॉन्टेस्ट जो हुआ है, आप बताइए कोमल मैम कि किस तरीके से ये कॉन्टेस्ट क्यों लाया गया और किस तरीके से आपके माइंड में इस कॉन्टेस्ट के बारे में आया, इसके बारे में। सो हमने जब गाना जी म्यूजिक के साथ रिलीज़ किया था अक्टूबर में, हम लोग को बहुत एंट्रीज मिल रही थी फ्रॉम बडिंग डीजेस। सो जो हमारे म्यूज़िक कंपोजर जोए भी केम अप विद द आइडिया कि हम लोग एक रीमिक्स कॉन्टेस्ट करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपकमिंग डीजेज हैं उनको, और उनमें से हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो भी विनर होगा उसको जी म्यूज़िक पे हम रिलीज़ करेंगे। सो उनका जो भी आज गाना सेलेक्ट होगा उनका रिलीज़ जी म्यूज़िक पे होगा, और जो भी रनर अप होगा उनको एकेडमी की तरफ से कोर्सेज मिलेंगे। ओके अकबर सर, कितना जरूरी होता है न्यू कमर्स के लिए ऐसे कॉन्टेस्ट, यू नो? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोमल जी इनका, कि इन लोगों ने इसको एक इम्पोर्टेंस दिया है, सोचा है इस बारे में, बिकॉज ये जो जॉनर है जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया डीजेइंग को इस कंट्री के अंदर, तो जहाँ तक मीडिया का सवाल है और इंडियन एंटरटेनमेंट जो बड़े कंपनीज हैं, वो उन लोगों ने इसे उस तरीके से देखा नहीं या उसको इसको प्रमोट नहीं किया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही फ्रजाइल सब्जेक्ट है, और हिंदुस्तान में इसकी रिकग्निशन होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये ग्लोबली बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, लोग है जो ये डीजे जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं गानों को, ये रीमिक्स करते हैं गानों को, और ये परफॉर्म करते हैं उन गानों को लेकर, जैसे कि ये गाना है। तो ये डीजेज का जो ये एक रोल होता है एक गाने को लेकर, जैसे कि मैंने किया था आशिक बनाया आपने हिमेश जी का गाना, तो व्हेन इट केम इट वाज गेटिंग पॉपुलैरिटी इन अ वेरी नटशेल, इन अ वेरी स्मॉल वे, बट व्हेन द रीमिक्स केम, हिमेश जी गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी थ्रू द रीमिक्स, एंड द फिल्म गॉट अ वेरी गुड ओपनिंग, द
सॉन्ग बिकेम अ सुपर हिट, वॉज प्लेइंग ग्लोबली, हर दुनिया के हर कोने में वो गाना बज रहा था. झलक दिखला जा आपने, जेस चिल, मेरा एल्बम ले लीजिए जलवा. सो ये इंटरनेशनल डीजेज वर प्लेइंग दोज साउंड ट्रैक्स, नॉट जस्ट अस, नॉट जस्ट द इंडियन डीजेज, इंटरनेशनल डीजेज वर प्लेइंग. तो वो बहुत बड़ी बात है. या मेरे ख्याल से मीडिया को किसी को यहाँ पर पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. और वो इसीलिए नहीं पता चलता है क्योंकि हम उसको बताते नहीं, हम इस चीज़ को हमने अपलिफ्ट नहीं किया है. इसे क्या कहते हैं उसको, हाउ डू आई पुट इट, इंडियन म्यूजिक कंपनीज और वो जो रिकग्निशन जो मिलनी चाहिए वो, बिकॉज समहाउ द अदर मेरे ख्याल से डीजेइंग को समझ नहीं पाए हैं लोग यहाँ पर अब तक, इवन टिल नाउ. सो मैं बहुत ही सो आई थिंक वेरी थैंकफुल टू पीपल लाइक धीरज जी एंड कोमल दैट यू नो दे आर, दे नो व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट, दे अंडरस्टैंड व्हाट goes into it and how a DJ promotes and introduces our music internationally. Okay sir, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह थी, you know, आपने क्यों इस song को produce करने का सोचा, क्या वजह थी? So मैं जब भी देखता हूँ ना, so market में of course जैसे अकबर जी ने बताया, there are a lot of songs out there, right? अभी the way I want to see it, जो industry है कि एक अच्छा platform दो जिससे नया talent उभर के आए. तो उसके बाद हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने नॉर्थ में गए, हम लुधियाना में, एंड वहाँ पे हमने प्रॉपर ऑडिशन किया एंड वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिस्ट मैंडी बिलगा. ऑफ कोर्स ही इज नॉट हियर विद अस टुडे, ही इज इन लुधियाना, ही हैड अनदर कमिटमेंट. बट दैट सेड, अभी द आइडिया वाज ऑफ कोर्स वी हैव एन आर्टिस्ट, उसका गाना हम लोगों ने रिलीज़ किया, उसको पूरा प्रेजेंट किया है, तो सर्टनली यू नो पीपल हैव लाइक्ड हिम फ्रॉम व्हाट आई कैन सी. अब द आइडिया वाज ओके, गाना तो बनाया है, अभी व्हाट एल्स कैन वी डू विद द सॉन्ग. सो द आइडिया वाज व्हाई नॉट इवन लुक एट द बडिंग डीजेस, क्योंकि ये नहीं कि यार इफ देयर इज अ बिग नेम एंड देन यू नो पीपल आर गोइंग, बट व्हाट अबाउट द अदर डीजेस, उनको भी तो प्लेटफॉर्म देना है. सो हमने जब ये देखा कि आगे से ज़ोएब जी ने जैसे बताया एंड इवन एज कोमल मेंशन्ड, काफ़ी हमें हमारे पास लोग कमेंट में कर रहे थे कि यार यू नो इसका अच्छा अपना 10 seconds की बाइट देके जो भी है यू नो, एंड अभी क्या करते हैं लोग सॉन्ग लेते हैं और खुद ही यू नो अपने हिसाब से मिक्सिंग करते हैं. तो हमने बोला कि लेट्स जस्ट ओपन अ डीजे कॉन्टेस्ट और हम सबको ओपन फाइल्स देंगे, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको फुल फ्रीडम दो, हमें कुछ नहीं है उनका बैकग्राउंड, देर इज़ नो फी टू इट, वी हैव नॉट चार्ज एनी एंट्री फी टू एनी अदर कंटेस्टेंट्स, इट इज जस्ट समथिंग प्योरली टू प्रमोट टैलेंट. एंड देन द आइडियाज़ ऐसे नहीं यार कि यू नो मुझे यार एक सॉन्ग से करना पड़ रहा है, मेरे पास ओपन ट्रैक्स है, मेरे पास फुल फ्रीडम है एंड मुझे पता है कि मेरा सॉन्ग जो है अभी वो जी म्यूजिक पे जाएगा, तो एक अलग से एक मोटिवेशन भी होती है एंड ऑफ कोर्स हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि यार इट्स गुड कि और एक नया टैलेंट जो है वो मार्केट में आए. सो दिस इज़ रियली द होल बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग. And of course, I'm very happy, you know, and you're like, who will be more apt than, you know, than DJ Akbar Sami to really be the one to judge it. And it's really been an honor for us that he was able to join us for the event. Okay, Punjabi song ka aajkal jaise ek trend sa ho gaya, log kafi pasand karne lag gaye Punjabi song ko, to is par kya kehna chahenge aap? You know, Punjabi song ne kafi overpower kar liya hai agar hum baat kare dusre songs ki ya dusre languages ke songs. Mere khayal se Bollywood ke baad jo ek the second language कि जो म्यूज़िक थी वो पंजाबी थी और नॉट जस्ट हियर, ऑल ओवर द वर्ल्ड. लाइक अगर लंदन में आप जाएंगे और आप वहाँ पर अगर आपको कोई इवेंट में जाना है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, दे आर भांगड़ा पार्टीज, द पंजाबी म्यूज़िक. यूएस में, हर जगह, कनाडा में, कनाडा में क्या, तो पंजाबी इज़ बीन ऑलवेज देयर इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक. दे हैव सम काइंड ऑफ अ गॉड गिवन कनेक्टिविटी विद म्यूज़िक एंड they go out of the way, they are very wild, they are very aggressive in terms of music ka jo unka connection hai. Aur ab last I think 3-4 saal se India mein ye jo shuru hua hai, jo iska ek zor hai aur bahut zor se pakda hua hai, to main bhi abhi events mein, parties mein music play karta hu, to without playing those 15-20-30 Punjabi song the party is not complete. And the Punjabi remixes, of course, you know, yeah. Not just another remix, yes, you know, yes, people want yes. more remix essentially, yeah. And of course, the remix has to be good. Ab mere paas 5 aur remixes aa gaye hain gaane ke, to usko main play karunga. Okay, thank you. Aaj select karna hai ki kaun sa wo remix hoga jo main apne set mein play karunga. That'll be our honor. Thank you so much. I would just like to say, you know, really thankful that Mr. Sami, a legend like him, agreed ki hamare isko remix contest ko ye karenge. Judge, it's really nice of him. He is like one of the legends. All our contestants look forward to, you know, the results. So wait kar rahe ki jaane ki kya, you know, Mr. Sami ne decide kiya.
we're really thankful. Thank you. So I think without further ado, we're going to announce the winner. That's okay. Yeah, yeah, of course. Yeah, yeah, of yeah. course. So, Zoeb, we have everyone na, here. Yeah. 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 I know it's a tough call. It's very difficult. बहुत मुश्किल है ये जो यहाँ पर जो मैंने सुने remixes. लेकिन मैंने यहाँ पर दो नाम जो है वो select किए हैं. तो इसमें से एक ही करना पड़ेगा जरूरी. हाँ जी. Yes please. Always one winner. बहुत difficult है. That place is special yeah. हाँ तो I think the first prize goes to DJ Neon from Pune. Great. कहाँ है वो है? Actually, he's not around with us, but we have Vipul. Acha. So Vipul ko. Can we send Vipul? We'll have Vipul come in, please. Vipul. Yes. Aye, Vipul, come from here. Come from here, please. Yeah. It's you know really you've done a very very good job. And देखो यहाँ पे देखो ये Neon और Vipul दिख रहा है दो नाम. तो ये मैंने दो नाम select किए हैं for the number one position. But unfortunately, I have to give only one. तो नियॉन को जा रहा है सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू आर यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. ओके कांग्रेचुलेशंस. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विपुल. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस अपने हिसाब से अपने तरीके से जितना देने की कोशिश कर रहे हैं आपने दिया है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू वेरी मच. और आप ऐसे ही इसे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए बिकॉज ये जो जॉनर है हमारा जो डीजेइंग का जो कल्चर है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए. बिकॉज डीजे जो है हमारे गानों को बॉलीवुड के गानों को नॉन बॉलीवुड गानों को सारी दुनिया में प्रमोट करते हैं. सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में तो हमको FM में सुनना मिल जाता है, रेडियोज़ है, चैनल्स है, टेलीविज़न है, सब कुछ है. लेकिन वहाँ पर बाहर देश में ये सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, ना उनके पास इतना वक्त होता है कि वो बैठ के सारा दिन टेलीविज़न देखा करें या गाना यू नो सुनने का उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता. तो ये डीजेज होते हैं जो गली गली दुनिया में सारे जगहों पर सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर जाकर अपने म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया है. एंड थैंक यू वेरी मच धीरज जी एंड कोमल जी for doing this. Thank you sir. Thank you Pawa. Thank you. Thank you. Thank you so much.